कोडरमा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज सहाय पिंकू ने शनिवार को प्रेस बयान जारी कर बताया है कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार कोडरमा जिले से कांग्रेस के कार्यकर्ता 13 जून सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय रांची कार्यालय के घेराव हेतु सुबह 7 बजे रांची प्रस्थान करेंगे। उन्होंने बताया कि नेशनल हेराल्ड केस जिसमें किसी प्रकार का कोई गलत लेन देन ना पाकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को क्लीन चिट देते हुए केस बंद कर दिया गया था, उसे बीजेपी की मोदी सरकार के इशारे पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रीओपन करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा से संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग कर नन बीजेपी सरकार को अस्थिर करने एवं विपक्षी नेताओं की छवि धूमिल करने का कुत्सित प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि आगामी 13 जून को राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में हाजिर होंगे एवं इसके विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे जी के वर्चुअल मीटिंग के आदेशानुसार झारखंड के सभी जिले से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता 13 जून को पुराना विधानसभा परिसर रांची में उपस्थित होकर विरोध मार्च करते हुए प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय रांची का शांतिपूर्ण घेराव करेंगे, जबकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर लोकतंत्र को बचाने हेतु पूरे देश में प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय पर कांग्रेस जनों के द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।